chapter 5 the fundamental unit of life in the last video we studied about two different types of organisms unicellular and multicellular and functions of cells we also studied that there are different varieties in shape and size of cells so now let us study about structural organization of a cell what is a cell made up of we studied in the previous videos and by now we know that cell has some special components in them that perform specific functions like respiration nutrition etc these components are called organelles now although the cells are of different types like there is plant cell and there is animal cell when we observe this cell under a microscope there are three features common in all types of cell that is plasma membrane or cell membrane that is the outermost covering of a cell nucleus which is present at the center it is called the brain of the cell and cytoplasm cyto means cell and plasma means fluid so because of the jelly like fluid present inside it it is called cytoplasm so these are the basic components that we observe under a microscope all activities inside the cell and interactions of cell with its surrounding environment are possible due to these features

दूसरे सेल्स और बाहर के एनवायरमेंट से अलग करती है सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग और पोरस होता है पोरस यानी जाली की तरह उसमें कुछ पोर्स या होल्स प्रेजेंट होने की वजह से वो सब्सटेंसेस को अंदर बाहर करने देता है प्लाज्मा एंड प्रोटीन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना होता है एंड बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट इन इट इट इज फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स और फैट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इट इनेबल सेल टू एंगल फूड एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की मदद से फूड कैप्चर करता है इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं अस नाउ सी द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इट फॉलोज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टिव मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स लाइक सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स दैट इज द न्यूट्रिएंट्स फॉर द नरिशमेंट ऑफ द सेल टू एंटर एंड द वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस इन द सेल एक्ट थ्रू द प्लाज्मा प्लाज्मा में ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन पोर्स के थ्रू प्लाज्मा मेंब्रेन सेल के नरिशमेंट के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रियंट है उन्हें अंदर लेता है और सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस होगा उन्हें बाहर निकाल देगा So, because it allows entry of necessary things like water molecules, simple soluble molecules, and removes waste materials from the cell through the pores, it is also called selectively permeable membrane or semi-permeable membrane. Plasma membrane helps in gaseous exchange also. Now, the word semi-permeable means, semi means half, and permeable means to allow. टू में शेप ऑफ द सेल तो प्लाज्मा में वजह से सेल का शेप इंटेक्ट रहता है सेल के ऊपर प्लाज्मा मेंब्रेन की कवरिंग नहीं होती तो सेल को कोई शेप नहीं होता और सेल्स मिक्स हो जाते

तो सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंफेक्शन और दूसरी हार्मफुल चीजों से बचाए रखता है नेक्स्ट इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन तो अलग अलग फंक्शन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है इन सभी फंक्शन में से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। So, now let us see how substances are transported through the plasma membrane. The transport of substances in cell through the cell membrane takes place by two ways diffusion and osmosis. First, let us see transport across the membrane by diffusion. So, what is diffusion? The spontaneous मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज अ सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर concentration टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर concentration इज कॉल्ड डिफ्यूजन कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैशियस सब्सटेंस एक रीजन जहां पे उसकी मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से सडन मूव करके एक ऐसे रीजन में जाता है जहां पे उस सब्सटेंस की मात्रा कम है तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं सो अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जाम्पल द सेल टेक्स इन ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट्स और रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन सो वॉट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन वेन वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं दिस ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ गोज इन टू द सेल ये जो ऑक्सीजन हमने लंग्स के थ्रू लिया है वो सेल में जाता है ऑक्सीजन फूड में से एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है तो ये ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेल को जरूरत नहीं होती इट इज अ वेस्ट मटेरियल इसलिए सेल उसे बाहर निकाल देता है तो ये जो प्रोसेस है वो हर एक सेल के अंदर होती है इसलिए इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान ये जो सेल ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है या एक्सक्रीट करता है ये सब वो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से करता है When the amount of CO2 increases inside the cell means it is in higher concentration, there is more CO2 or carbon dioxide inside the cell and less CO2 outside the cell in the external environment of the cell means it is in lower concentration. Due to this difference in the concentration, CO2 moves out of the cell by the process of diffusion. Similarly, टू और ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वेन द लेवल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस एंड इट इज मोर आउटसाइड द सेल सो दिस गैशियस एक्सचेंज थ्रू द सेल मेम्रेन इज कैरीड आउट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस तो ये गैशियस एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से होता है Now diffusion process is faster in the gases than liquids and solids. Diffusion process say gaseous exchange sabse fast hota hai. Exchange of solids and liquids takes more time by diffusion process. So this diffusion process helps animal cells, plant cells and unicellular organisms having no organ system in obtaining nutrition from the environment. Now let us see. ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ वॉटर मोलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेंब्रेन सो जस्ट लाइक डिफ्यूजन प्रोसेस विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस सबसे थ्रू द सेल मेंब्रेन ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वॉटर मोलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेंब्रेन तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में वॉटर मोलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है सेल मेंब्रेन के थ्रू सो द मूवमेंट ऑफ वॉटर मोलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली पर्मिएबल मेंब्रेन और सेल मेंब्रेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ओस्मोसिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स द डिफरेंस बिट्वीन टू रीजन्स दैट इज हाई एंड लो नाउ प्लाज्मा मेंब्रेन के थ्रू वॉटर की जो मूवमेंट है वो वॉटर में प्रेजेंट सोल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करती है

वॉटर मॉलिक्यूल्स एक रीजन जहां पे उसकी मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से एक ऐसे रीजन में जाते हैं जहां पे वॉटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन कम है सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस नाउ वी कैन सी द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस इन अ सेल प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन तो ऑस्मोसिस प्रोसेस हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में रखे गए सेल में दिखाई देगी सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वॉटर प्रेजेंट इन देम हाइपोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन सो नाउ लेटर स्टडी व्हाट आर दीज थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन सो हाइपो मीन्स लेस Tonic means strength. So, the medium or solution surrounding the cell has high water concentration compared to inside of the cell is called hypotonic solution. Means over here, the amount of water is less inside the cell and more outside, that is, the solution surrounding the cell is dilute. Dilute means the solution having more water and less acid, base or neutral substance. So, due to this, because the solution around the cell is dilute, the cell is going to absorb water and swell. Now, as the water moves inside the cell from outside, due to which the cell swells, this movement is called endoosmosis. Is movement ko? एंडो कहते हैं सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वेर वाटर और सॉल्वेंट इज मोर इन द सॉल्यूशन एंड सोल्यूट दैट इज एसिड बेस और सॉल्ट इज लेस मतलब सेल के अंदर पानी कम है और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा पानी है इसलिए सेल पानी अब्सॉर्ब करके स्वेल हो गया because water molecules will move from higher concentration to lower concentration so this is what hypotonic solution is next second is isotonic solution iso means same and tonic means strength so over here the amount of water is same inside the cell and the solution surrounding the cell matlab cell the और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल सो देशन ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम सो द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल सो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन वेर द अमाउंट ऑफ वॉटर और सोलवेंट an amount of solute that is acid base or salt is same both inside and outside of the cell so this is what isotonic solution is now next let us see what is hypertonic solution so hypertonic solution where hyper means more and tonic means strength over here the amount of water is more inside the cell and less outside the cell, that is the solution surrounding the cell means the solution is concentrated. So concentrated means the solution having less water and more solute that is acid, base or neutral substances. तो यहँ पर cellल के अंदर जदापानी है और cell के आसपासबाह solution है उसमें कम पानी So water molecules will move outside the cell, ट्यूशन हैविंग लेस वॉटर वॉटर जो है वो सेल के बाहर जाएगा एंड द सेलिंक सेल वॉटर लॉस होने की वजह से सिकुड़ जाएगा नाउ एज दॉटर लिवस द सेल एंड मूव आउट साइड ड्यू टू विच द सेल प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाजम गेट्स श्रिंक्ड दिस मोमेंट इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस इस मूमेंट को एक्सो ओस्मोसिस कहते हैं एंड It is the phenomenon in which a living plant cell loses water through osmosis when kept in hypertonic solution. In this process, there is either shrinkage or contraction of protoplasm away from the cell. So, this type of solution is hypertonic solution, where water or solvent is less in the solution and solute, that is acid, base, or neutral. Is more. So the medium surrounding a cell has a lower concentration of water than the cell. This type of solution is called hypertonic solution. So these are the three types of solution according to different types of concentrations. Unicellular freshwater organisms and most plant cells gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. So, this is how transport of water molecules takes place across the membrane by osmosis. Today, we studied what is plasma membrane and functions of plasma membrane, transport across the membrane by diffusion, transport across the membrane by osmosis, and the solution in which osmosis process takes place. In our next video, we'll study about other features of a cell and the complex organelles present inside the cell.